फर्स्ट कम्युनिकेशन। और नमस्कार, पब्लिक फर्स्ट का खास प्रोग्राम स्टार्टअप फर्स्ट देख रहे हैं आप। और इस समय हम मौजूद हैं भोपाल के मैनिट परिसर में और आज हम कुछ खास देखने जा रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष और मेरे साथ हैं साक्षी मीना। तो साक्षी, आज हम आए हुए हैं मैनिट में और ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक प्रदर्शनी हम यहाँ पर देख रहे हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है ये और यहाँ पे तमाम तरह की जो है टेक्नोलॉजी से हमें यहाँ पर रूबरू कराया जा रहा है। एक खास जो स्टॉल है जिसको यहाँ पर आके हम रुक गए हैं वो ये है, हम देख कर यहाँ पर मिसाइल और तमाम जो चीज़ को देख कर, ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जिसका लोहा पूरा देश नहीं पूरा विश्व मानता है। आखिर क्या है इसमें खास और क्या कुछ दुश्मनों के लिए डराने के लिए इसके अंदर तकनीक है, हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साक्षी, हम अंदर चलते हैं। जी, तो स्टार्टअप फर्स्ट में हम आ पहुंचे हैं ब्रह्मोस मिसाइल की जानने की हम कोशिश कर रहे हैं भोपाल का मैनिट परिसर में। ये समय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चल रहा है जहाँ पर हम इस प्रदर्शनी को देखने पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है? गिरीश कुमार। गिरीश जी, अब आपके जरिए हम समझना चाहेंगे कि भारत की ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि कहीं ना कहीं सामरिक तौर पर भारत को बेहद मजबूत बनाती है और दुश्मन को तो इसके नाम से ही जो है कब कभी छूट जाती है, इस मिसाइल के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, हमारे देशवासियों को जानना चाहिए कि भारत की ये जो तकनीक है, भारत का ये जो ताकत है वो कितनी मजबूत है। सर, ब्रह्मोस विश्व की सबसे बेहतरीन मिसाइल में गिनी जाती है और आज का जो प्रेजेंट है वो ब्रह्मोस हमारे देश के लिए सबसे पावरफुल मिसाइल मानी जाती है। ब्रह्मोस तीनों सेनाओं में शामिल है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैक है, आवाज़ से भी 3 गुना फास्ट स्पीड है इसकी और इसकी रेंज है 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर ये केवल 4 मिनट में टारगेट को हिट कर देती है और टारगेट भी जो हमारा प्री डिसाइडेड होता है। एक्यूरेसी इसकी 1/1 मीटर की है। जो हमारा पहले से टारगेट डिसाइड होता है कि हमें यहाँ पे मारना है, वो मिसाइल वहीं पे टारगेट को हिट करती है। आपने कहा कि ये सबसे बेहतरीन, विश्व में सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है, तो अगर हम कंपेयर करें कि क्यों, कैसे बेहतर है, क्योंकि माना जाता है कि अमेरिका, रशिया, तमाम ऐसे मुल्कों के पास भी बड़ी मिसाइल हैं, तो ये कैसे बेहतर है? सर, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, अभी 2.8 मैक जो है इस सबसे ज़्यादा स्पीड है इसकी, इसलिए इसको बहुत ही कम समय में ये टारगेट को हिट कर देती है। गिरीश जी, से ये भी समझेंगे क्योंकि अभी कुछ देर पहले साक्षी यहाँ पर सेल्फी ले रही थी और ये हम समझना चाहेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर हमारे इस फाइटर जेट में भी लगा हुआ है, तो ये कैसे वर्क करता है? सर, ब्रह्मोस को SU-30 एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किया गया है, सुखोई में। तो जब हम इसको सुखोई एयरक्राफ्ट इसको फायर करता है तो ऊपर जाके नहीं है, मिसाइल को ड्रॉप करता है। विदिन 15 सेकंड के बाद मिसाइल सेल्फ वर्क कर सकती हैं। हमारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं उनको, ओरिजिनल वीडियोस हैं जो लॉन्च कर रहे हैं। ये अगर कहा जा सकता है कि हमारी वायुसेना भी इस ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है? कर रही है। बिल्कुल, हमारी वायुसेना भी इस ब्रह्मोस मिसाइल का, और ये अपना आर्मी में, अब आर्मी का थल सेना भी देखना चाहेंगे। ये काफ़ी, देखिए युवा भी आए हों, सब देख रहे हैं क्योंकि सभी को खुशी मिलती है भारत की मिसाइल देख के। ब्रह्मोस मिसाइल का अगर हम देखा जाए तो ये, हाँ ये ज़रूर हमने टीवी में ज़रूर देखा था, न्यूज़ में हमने देखा था। ये कहा जा सकता, क्या कहा जाता है सर इसको? सर, इसको ऑटोमस, ये लिखा है यहाँ पे, मोबाइल ऑटोमस लॉन्चर कहा जाता है इसको। मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर कहा जाता है। इससे मिसाइल को ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है और इसको लॉन्च भी किया जाता है। इसके अंदर ही यहाँ पे फायर कंट्रोल सिस्टम होता है, ऑपरेटर यहीं से डाटा लेता है और यहीं से मिसाइल को फायर करता है। जा सकते हैं कि अगर आप इस मॉडल को अगर देखें दर्शकों, तो मॉडल भी काफ़ी बड़ा है और आप इसकी क्षमताओं का पता लगा सकते हैं कि इतना बड़ा इसका आगे का हिस्सा है और फिर ये लॉन्चिंग इसी से ही लॉन्चिंग। यस सर, इसमें 3 मिसाइल्स होती हैं और तीनों मिसाइल को हम 5-5 मिनट या 4-4 मिनट के अंतराल से 3 टारगेट को, 3 अलग अलग टारगेट को कर सकते हैं। यस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 जो है मिसाइल भी है, 1, 2 और 3, ये 3 मिसाइल यहाँ पर हैं और ये जो मिसाइलें हैं ये हमारे दुश्मनों को डराने के लिए और हमें गौरवान्वित करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देख के। तो थल सेना में भी इसका इस्तेमाल लगातार हो रहा है, ब्रह्मोस नाम है। आज की डेट में ब्रह्मोस की 4 रेजिमेंट हैं। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें सर। ब्रह्मोस की 4 रेजिमेंट हैं। एक्चुअली क्या है, 1 रेजिमेंट होती है, 4 इस टाइप के मॉल होते हैं, इनको मॉल बोलते हैं ऑटोमोबाइल लॉन्चर को पूरा शॉर्ट फॉर्म में। और एक होती है मोबाइल कमांड पोस्ट, जो मोबाइल कमांड पोस्ट होती है उसे 1000 किलोमीटर भी दूर है तो भी हम उससे भी मिसाइल को फायर कर सकते हैं। 1000 किलोमीटर दूर से इस मोबाइल कमांड पोस्ट के जरिए, आप ये दर्शकों को देख सकते हैं, इस मोबाइल कमांड पोस्ट के जरिए 1000 किलोमीटर तक ये फायर कर सकते हैं।
और इससे भी इंडिपेंडेंटली फायर कर सकते हैं यहाँ से भी। इसे क्या कहते हैं सर? ये इसमें जो अपना माल है इसमें भी बैठ के नहीं है, यहाँ से जो ऑपरेटर होता है इससे भी फायर कर सकते हैं और मिसाइल को यहाँ से भी इन चारों में कोई सी भी मिसाइल को फायर कर सकते हैं। इसलिए आपने कहा कि इसमें चार हमारे पास रेजिमेंट है, एक रेजिमेंट होती है इस टाइप रेजिमेंट, ओके, चार माल और एक मोबाइल कमांड पोस्ट। देखिए दर्शकों, इसे पूरी तरह से समझाया गया है और हमारे युवा दर्शक खासतौर पे जो डिफेंस में जाना चाहते हैं वो भी देखकर यहाँ पे रोमांचित हो सकते हैं कि ये इसकी रेंज देखिए आप, ये करीब फायरिंग रेंज है जिसमें लिखा हुआ 290 किलोमीटर तक इसकी फायरिंग रेंज है। और ये देखिए ये आगे जाके जब फायर करती है तो दुश्मनों के किस तरह से परखच्चे उड़ा देती है, ये इसमें इस चित्र के जरिए, इस ग्राफिक के लिए इसको समझाया गया है, इस डायग्राम के जरिए समझाया गया है। और अभी तक हमने ये देख लिया है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है गिरीश जी हमें बता रहे हैं कि वायुसेना और इसके अलावा थल सेना में इसमें इस्तेमाल होता है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर से यहाँ पे काफ़ी युवा भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं और काफ़ी खुश हैं यहाँ पे देख के। अब तीसरा जो एरिया है वो है जल सेना, यानी कि हमारी नेवी, इंडियन नेवी में कैसे ब्रह्मोस का इस्तेमाल होता है हम गिरीश जी के जरिए समझेंगे। ब्रह्मोस के ज़्यादातर शिपों पे जो ब्रह्मोस को इंस्टॉल किया गया है ये INS राजपूत शिप है, इसमें राजपूत, हाँ, इस पर 8 मिसाइल यहाँ पे वर्टिकल स्टेज में लगाई गई है और अब जो इंडियन शिप्स हैं उन पे इंक्लाइन उसमें भी ब्रह्मोस को इंस्टॉल किया गया है। ये 8 मिसाइल इंक्लाइन मतलब ये इसको यहाँ पे देखिए, देखिए दर्शकों को समझिए आप, ये पूरी हमारी INS राजपूत है तो उसका ये मॉडल है और ब्रह्मोस उसमें कैसे यहाँ पर फिट की गई है, कैसे यहाँ पे लैस की गई है वो समझा रहे हैं यहाँ पर हमें गिरीश जी। ये ब्रह्मोस मिसाइल आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, मैं कैमरामैन अश्विन जी से कहूँगा कि क्लोज में आपको ये व्यू कराएं। ये देखिए ये ब्रह्मोस मिसाइल ये आगे के हिस्से में है, इसको क्या कहा जाता है, इंक्लाइंड सर, इंक्लाइंड, और यहाँ पर वर्टिकल में भी लगाया है। इंक्लाइंड मतलब यहाँ पे इस तरह से अगर लेटे हो, अगर कहा जाए कि लेटा के रखा गया है सीधे आगे बढ़ती है और अगर हम यहाँ पीछे की तरफ आ जाते हैं वर्टिकल में, तो वर्टिकल में लॉन्च होगी और फिर ऊपर जाके लिए अपना जिधर भी उसको टारगेट है उधर मूव करेगा। ये सीधे वर्टिकल यानी कि दर्शकों सीधे ऊपर जाती है और अपने टारगेट पे जाती है। पीछे ये सर हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर लगा रखा है, इसलिए तो ये आप देख सकते हैं और आपको हम लाइव ये वीडियो के जरिए हम दिखाएंगे। और मैं चाहूँगा गिरीश जी थोड़ा इसको भी आप एक्सप्लेन करें, ये पहले क्लोज में आप देखिए किस तरह से टारगेट, आप ये वीडियो को देखिए पहले दर्शकों, ये इस समय टारगेट होने के बाद ये किस तरह से दिखे? ये देखिए कॉम्बैट फायरिंग, ये टारगेट से ये किस तरह से परखच्चे उड़ गए हैं पूरे के पूरे जहाज पर, किस तरह से तेजी से टारगेट करते हैं, मतलब आपने जो स्पीड की जो बात कही थी बहुत ही खतरनाक रफ्तार। यस, मतलब जब तक दुश्मन को समझ पाएगा तब तक उसके परखच जोड़ जाएंगे। और यही वजह कि दर्शकों की ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो हमारी भारतीय सेना की ताकत बन चुकी है, हमारी तीनों जो सेनाओं के जो विंग्स हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अत्याधुनिक मिसाइल अब आप देख सकते हैं, इसका स्पेसिमेन आप देख सकते हैं, मॉडल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह ब्रह्मोस नजर आती है, शायद ब्रह्मास्त्र के नाम से इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया। नहीं सर, इसका ब्रह्मोस का जो नाम है एक्चुअली ये ब्रह्मोस जो दो देशों का जॉइंट संयुक्त वो है, रसिया और भारत का जॉइंट वेंचर है, तो जो ब्रहा लिया है BRA लिया है वो ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मोस की से लिया और मौस जो लिया वो रसिया की नदी से लिया, तो ब्रह्मोस मिला के दोनों नदियों को ब्रह्मोस बनाए। बताया, मैं तो ये सोचा करता था कि ब्रह्मास्त्र की जित रही है ब्रह्मोस, बहुत ही अच्छा जॉइंट वेंचर है ये और बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है हमारे साथ रसिया की, तो दोनों देशों का नाम लिया और तब ये ब्रह्मोस बना है। और इसको बताया कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से शुरू के 3 शब्द लिए हैं, BRAH 4 शब्द लिए हैं और MOS जो शब्द हैं वो रशिया के शब्द हैं, उन दोनों को जॉइंट वेंचर है चूँकि, इसलिए मुझे ख्याल से साक्षी आपको समझ आया कि ब्रह्मास्त्र नहीं है ब्रह्मोस। जी सर जी, तो ये लोगो भी बड़ा आपको यहाँ पे दिखाएं, ये लोगो है, लोगो दिखा रहे हैं अभी हम गिरीश जी, ये दोनों नदियों को दोनों नदियां दिखाई हैं और ये जो शिवलिंग को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये दोनों नदियां दिखाई जा रही हैं और ये शिवलिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, यह हमारा तिरंगा है, भारत देश का नक्शा है, माफ कीजिएगा, हमारा तिरंगा झंडा है और ये रशिया का झंडा है। ये दोनों देशों के यहाँ पे संयुक्त प्रयास से ये ब्रह्मोस मिसाइल बनी है और ये बता रहे हैं गिरीश जी की शिवलिंग है और ये दो नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र और रशिया की MOS नदी है। जी, शिवलिंग जो पावरफुल माना जाता है उसके मिसाइल को, जो बिल्कुल शिवलिंग बहुत ही पावरफुल है और ये इसको रिप्रेजेंट करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रह्मोस के बारे में तमाम यहाँ पे जानकारी यहाँ पे दे रखी गई है। ये मैं और वीडियो दिखाना चाहूँगा, थोड़ा ये वीडियो और देखें दर्शकों,
ये देखिए ये सबमरीन से अंडर वाटर लॉन्च है। ये सबमरीन यानी पनडुब्बी से कैसे लॉन्च होती है ये देखिए, ये ऊपर जाती है और अपने बाद कितनी तेजी से टारगेट के ऊपर हिट करने जा रही है ये देखिए। एक के बाद एक मिसाइल को फायर करना, एक के बाद एक मिसाइल को फायर हो रहे हैं, इसको सैल्वो फायरिंग कहते हैं। और जैसे कि हमें मॉडल में यहाँ पे दिखाया गया था, आप इसको देख सकते हैं वीडियो के जरिए। ये दूसरी मिसाइल, ये देखिए कितनी तेजी से दूसरी मिसाइल भी यहाँ पर लॉन्च की जा रही है। और उसके बाद ऊपर जाने के बाद जिस तरह से वो अपने टारगेट की तरफ जाती है, मुझे लगता है कि दिल दहल जाता होगा दुश्मनों का। उसके बाद उसको सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं बाकी बचती होगी। ये देखिए आगे के हिस्से से जो हमने बताया था कि इंक्लाइंड यहाँ पे जो रहती है मिसाइल, वो कैसे फायर करती है। ये लैंड टू लैंड यानी कि जमीन से जमीन पर फायर करने की जो क्षमता ब्रह्मोस में है, वो इस वीडियो के जरिए दिखाई गई है। किस तरह से ऊपर जाकर अपने टारगेट की तरफ जाती है और बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। क्या इसको बीच में इंटरसेप्ट किया जा सकता है ब्रह्मोस में? ये सबसे बड़ा मिसाइल फायर एंड फॉरगेट, फायर एंड फॉरगेट, इसको कोई बीच में इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। दुश्मन का कोई भी मिसाइल विरोधी सिस्टम इस पे काम नहीं करेगा। एक्यूरेसी इसकी 1/1 मीटर की है टारगेट पे, एक्यूरेसी 1/1 मीटर। तो तमाम हमारे जो दर्शक और खास तौर पे हमारे जो भारतीय सेना में जो तमाम जो जवाब जाना चाहते हैं, जो DRDO में जाना चाहते हैं, वो इस ब्रह्मोस मिसाइल को देखकर काफ़ी यहाँ पर गौरव का महसूस कर रहे होंगे। हम भी यहाँ पे गौरवान्वित हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे चर्चा करने की। आपने देखा है ब्रह्मोस मिसाइल को, भी देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियो में देखा है आज तक, मॉडल्स यहाँ देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। गर्व की अनुभूति हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हो रही है। तो यहाँ पे हम काफी युवा से आपसे जानना चाहेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल को देखा आपने, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। भारत की ताकत को देख के गर्व होता है, अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा होता है, लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं, वी हैव अ स्किल और हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। आप भी युवा हैं, जब इससे पहले काफ़ी साल पहले हम इतने आगे नहीं माने जाते थे, हमें ऐसा लगता था कि हम डिफेंस सिस्टम हमारा बस दूसरों पे आश्रित थे, लेकिन जब हम खुद की मिसाइल सिस्टम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब कैसा आपको लगता है कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है, ताकतवर हो रहा है? दैट इज़ व्हाट वी से लाइक सेल्फ डिपेंडेंट एंड दैट इज डेफिनेटली नीडेड एंड दैट इज डेफिनेटली अचीव्ड बाय द थ्रू द ब्रह्मोस एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। Very happy for that. Definitely, it's a proud moment for each and every Indians and make in India. यहाँ पे ब्रह्मोस की जो शुरुआत हुई थी 2001 से, आइए देखते हैं। आशी बता रही हैं कि ब्रह्मोस की शुरुआत कैसे हुई, आखिर ब्रह्मोस की ये जो जर्नी है जो आज हमारे हथियार खाने की सबसे बड़ी शान बन चुकी है, वो शुरुआत कैसे हुई? मैं चाहूँगा साक्षी आप पूछें। सर बताइए। ये 2001 में हमने फर्स्ट लॉन्च किया था, उसके बाद हम बहुत सारे लॉन्च करते गए और जो हमारे एक भी लॉन्च ऐसा नहीं हुआ कि जो फेलियर हुआ, सब सक्सेस हो गए, सारे ही सक्सेसफुल रहे। ये अभी हम 2022 में एक्सपोर्ट के लिए भी हम कैपेबल हैं और एक्सपोर्ट का हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, तो आने वाले समय में मिसाइल को डिलीवर करेंगे, बाहर भी जाएंगे। बहुत सारी कंट्रियों की डिमांड है, हमारे दुश्मन की जो छक्के छूट रहे हैं, खासतौर पे चीन और पाकिस्तान के जो तमाम जो हमारे दुश्मन हैं, वो देख के ब्रह्मोस को वैसे यहाँ पे डरे हुए हैं। और ये कितने गर्व की बात है गिरीश जी कि आज भारत के जो सेना है वो ना केवल LOC पे बल्कि LAC पे भी, यानी कि चीन की बॉर्डर पे भी दमदारी से वहाँ पर खड़ी हुई है। हमने चाहे डोकमाल में हमने देखा हो, चाहे हमारे तमाम जो मोर्चों पर, चीन के वहाँ पर चांटे ही पड़े हैं। और दर्शकों को आपको दृश्य याद आ रहा होगा जिस समय मैं बोल रहा हूँ, किस तरह से भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपने हाथों से डंडे मार मार के चीनियों भगाया है वहाँ से चीनियों को। तो ये जो हवा खड़ा करके रखा हुआ है कि चीनी है और ये है, तो जिस तरह से मेड इन चाइना होता है वो जिस तरह से फुस्सी बम साबित होते हैं, कुछ उसी तरह से फुस्सी बम साबित होते हैं। मैं एक सवाल जरूर लूंगा गिरीश जी आपसे, जब बात मेक इन इंडिया की आती है, मेड इन इंडिया की आती है, वो जब मेक इन चाइना और मेड इन चाइना के सामने खड़ा होता है, तो विश्व में इस समय भारत की ख्याति, भारत की जो कहा जा सकता है कि समृद्धि किस तरह से? सर ब्रह्मोस से अच्छा एग्जाम्पल नहीं है मेक इन इंडिया आज की डेट में। बिल्कुल, ब्रह्मोस से बेहतरीन एग्जाम्पल कोई नहीं है भारत के वीर सपूतों के लिए। और कहा जाता है हमारे जो भारतीय जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी दिन रात एक किए, अभी साक्षी के जरिए हमने समझा था कि किस तरह से पूरी जर्नी रही है, पूरी यात्रा रही है कि किस तरह से 2001 से लेकर ये शुरुआत होती गई और आज 2022 तक पहुँचते पहुँचते ब्रह्मोस एक वो मिसाइल बन गई है जिसकी डिमांड पूरे विश्व भर में है। और ये हमारी भारतीय जो विज्ञान है, और हम क्यों ना हो, हमारे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ अगर हम अनादिकाल से अगर पीछे जाते हैं तो हमारे यहाँ तो तमाम तरह के सर अस्त्र, प्रक्षेपास्त्र, शस्त्र रहे हैं,
और तमाम तरह की मिसाइलें रही हैं, नागास्त्र रहे हैं, तो वो अब भारत की जो पुरानी जो विज्ञान है उसी को कहीं ना कहीं बाहर लाने की जरूरत है। इसलिए खुद को कमजोर मानने की कतई भी जरूरत नहीं है। हमारे जो युवा हैं वो इसी साइंस को आगे लेकर आए और इसी तरह से नई नई तरक्की करें। गिरीश जी, आपने पब्लिक फर्स्ट से बातचीत की, हमें और साक्षी को काफ़ी कुछ यहाँ पे बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही हमारे युवाओं को जागरूक करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये था हमारा खास एपिसोड। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे और साक्षी को नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।